तेलंगाना हाई कोर्ट ने बशीरबाग में वाक़ 1700 मुरबा गज अराजी के तनाज़े पर हुकूमत के हक में फैसला सुनाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बशीरबाग के आयकर भवन के अखब में वाक़ 1700 मुरबा गज अराजी पर खाबिजीन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले से इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और मरकज के दीगर रेवन्यू इदारों को राहत मिली है। अदालत ने कहा कि यह अराजी स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है और रियासती हुकूमत ने अराजी मरकजी रेवेन्यू इदारों को अलर्ट की है। जस्टिस शमीम अख्तर और जस्टिस ईवी वेणुगोपाल ने अराजी पर ख्याम करने अपराध की दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस अराजी पर तवील अरसे से मुखीम है और दीगर काम अंजाम देते हैं। 2005 में हैदराबाद के इंसिडेंट लैंड ग्रैबिंग कोर्ट ने सिविल और रेवेन्यू अहकाम की दरख्वास्त पर उन्हें खाबिजीन करार दिया था और अराजी की तखलिया की हिदायत दी थी। इंसिडेंट लैंड ग्रैबिंग कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हुकूमत के खसूसी कौंसल हरेंद्र प्रसाद ने कहा कि लैंड ग्रैबिंग कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद के रिकॉर्ड में इस फ्लैट को सफाई बल्दिया करार दिया गया, यानी सफाई के कामों के लिए मख्तस करता अराजी है। बाद में अराजी का सर्वे किया गया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हवाले की गई और सरकारी के जरिए अराजी का मौकिफ वाज़ेह है। हाई कोर्ट ने खाबजीन की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए इंसदाद लैंड ग्रैबिंग कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने नई सरकारी अराजियात के तहफ्फुज के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही अरसे में कई असला में सरकारी अराजियात के तहफ्फुज में हुकूमत को कामयाबी मिली।